कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज विदेश से दिल्ली लौट आए हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के आज संसद में भाग लेने की संभावना है। बताते चले कि राहुल इस माह की शुरुआत में विदेश दौरे पर गए थे। आपको बता दें करीब 15 दिन बाद वे भारत वापस लौट आए हैं। बता दें कि राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा लगातार उन पर हमला बोल रही है। आज भी केंद्रीय स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा लगातार राहुल गांधी से कैम्ब्रिज में दिए बयान पर माफी की मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लाखों स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान, संसदीय परंपरा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद से भागने की बजाय आकर माफी मांगना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनावों में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों को भारत पर धावा बोलने का आमंत्रण दिया है, जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी सदन में नहीं दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल के सदन में उपस्थित रहने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। आप रिसर्च कर लीजिए, राहुल गांधी सदन में सबसे कम रहते हैं।